एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड गलियारा। बॉलीवुड गलियारा में आज बात करने वाले हैं एनिमल के नेगेटिव रोल करने वाले बॉबी देओल की। जी हाँ, बॉबी देओल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर चर्चा का विषय बन गए हैं, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि काफी लंबे वक्त बाद बॉबी देओल ने बॉलीवुड में कोई ऐसी फिल्म की जिसमें उनकी वाहवाही हो रही है। हालांकि इससे पिछली फिल्म जितनी भी बॉबी देओल ने की है, ज्यादा सक्सेस उन्हें मिली नहीं है। लेकिन 2023 देओल परिवार के लिए काफी खास रहा, जहां 22 साल बाद जब गदर स्क्रीन पर आई तो सनी देओल ने कमाल दिखा दिया, तो वहीं बॉबी देओल की एनिमल को लेकर के तारीफ की जा रही है। इस बीच में जो अब जो कहानियां निकल के सामने आ रही है, जो किस्से निकल करके सामने आ रही है, वो काफी दिलचस्प है। किस्से उन दिनों के जब बॉबी देओल घर पर थे, उन दिनों के किस्से जब बॉलीवुड से उन्होंने ब्रेक लिया था, उन दिनों के किस्से जब बॉबी देओल ना तो स्क्रीन पर नजर आ रहे थे, ना तो वेब सीरीज में नजर आ रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्या किया आखिर, और कैसे वेब सीरीज के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक नई शुरुआत की, उसके बारे में देखिए खास। इन दिनों बॉबी देओल की फिल्म एनिमल को लेकर खूब चर्चाएं की जा रही हैं। बॉबी देओल के लिए ये फिल्म किसी टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। बॉबी देओल की इस फिल्म की जहां एक और तारीफ की जा रही है, वहीं बॉबी ने एक ऐसा दिलचस्प किस्सा सुनाया है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाएगा। बॉबी देओल ने बॉलीवुड में फिल्म बरसात के जरिए कदम रखा था, और ये फिल्म उनकी शानदार साबित भी हुई। ऐसा नहीं है कि उनकी सभी फिल्में फ्लॉप गई हैं, बॉबी ने कई अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन एक्टर को ज्यादा फेम हासिल नहीं हुआ। कुछ हिट फिल्में की, लेकिन करियर डगमगाने लगा। एक ऐसा वक्त आया जब इंडस्ट्री में काम मिलना बंद सा हो गया था। बॉबी देओल को जैसे मानो लोग भूल से गए हों। इसके बाद बॉबी के करियर का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ, मानो जैसे वो डिप्रेशन में चले गए। बॉबी देओल ने कई जगह इन्वेस्ट किया और साथ ही कुछ ऐसे काम किए जिससे उन्हें पैसे तो मिले, लेकिन एक्टिंग करियर में जिस तरीके से उन्होंने अपने नाम को बरकरार रखने की कोशिश की, वो कोशिश उनकी पूरी नहीं हो पाई। बॉबी ने डिप्रेशन से बचने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया। खेल के साथ साथ वो क्लब जाते, क्लब में डीजे बन जाते, जिससे उनका तो इंटरटेनमेंट होता ही, साथ में लोगों का भी। फिर 5 साल तक घर में बैठने के बाद बॉबी देओल की किस्मत की घंटी बजी। दरअसल एक्टर को सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ऑफर आया। इस फिल्म के जरिए बॉबी देओल का बॉलीवुड में शानदार कमबैक हुआ। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई, लेकिन फिल्म में बॉबी देओल के किरदार को खूब सुर्खियां बटोरी गई। इसके बाद बॉबी देओल के फिर से फिल्मों में ऑफर आने लगे। इसी बीच में एक्टर को ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज आश्रम भी ऑफर हुई, जिसमें उन्होंने निराला बाबा का किरदार निभाया था और अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। वहीं बॉबी अब अपनी फिल्म एनिमल के जरिए सिनेमा में छाए हुए हैं। फिल्म में उन्होंने गैंगू गैंगस्टर का किरदार निभाया है, जो दर्शकों को काफी पसंद भी आ रहा है। सोशल मीडिया पर चारों ओर बॉबी देओल के नाम का डंका बज रहा है। मगर सुपरस्टार ने फिल्म और वेब सीरीज के दौरान कुछ ऐसे राज छिपाए जिसके बारे में परिवार नहीं जानता था। दरअसल वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग करने के दौरान बॉबी देओल ने परिवार में किसी को भी नहीं बताया था कि वो किसी वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं। एनिमल की सफलता से गदगद एक्टर बॉबी देओल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब मैंने क्लास 83 की, तब जाकर के लोगों को लगा कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूं। इसके बाद मैंने प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम साइन की। आश्रम OTT प्लेटफॉर्म पर सुपरहिट साबित हुई, लेकिन जब मैंने आश्रम में काम करने का मन बनाया, तब मैंने ये बात पापा, भैया, माँ से भी छिपाई थी। मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझे इस वेब सीरीज में काम करने नहीं देंगे। इस वेब सीरीज में निराला बाबा का किरदार जो बॉबी देओल ने निभाया, वो नेगेटिव रोल था जिसमें उन्होंने गलत काम किए थे। इसी चीज को लेकर के बॉबी देओल काफी असमंजस में थे और उन्होंने परिवार से ये बात छिपा करके रखी थी।
साथ ही बॉबी देओल ने अपनी वेब सीरीज के बारे में आगे कहा कि मैंने आश्रम में जो किरदार निभाया उस किरदार को लेकर मैंने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया था। ये कुछ अलग किस्म का किरदार था जिसको उन्होंने पहली बार किया। इससे पहले उन्होंने कभी भी इस तरीके का नेगेटिव रोल नहीं किया था। बॉबी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी ये वेब सीरीज़ इस तरीके से छा जाएगी और चर्चाओं का हिस्सा बन जाएगी। बॉबी देओल ने बताया कि उनकी वाइफ उनकी ताकत थी और उनकी वाइफ ने उनका काफ़ी सपोर्ट किया था। आश्रम की बात करें तो जिस तरीके से OTT पर आश्रम ने गदर मचाया, अब बॉबी एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म का रुख कर सकते हैं। हालांकि जो पहचान उन्हें एक बार फिर एनिमल के जरिए बॉलीवुड गलियारों में मिली है, क्या आगे भी वो पहचान मिल पाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इससे पहले बॉबी देओल ने सलमान खान की Race 3 में काम किया ही। इसके साथ बॉबी बताते हैं कि उन्हें कई और रोल्स भी मिले। Housefull 4 में भी उन्होंने काम किया, लेकिन एक्टर अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। फिल्मों से उन्हें ज्यादा फायदा हो नहीं रहा था, दर्शक पसंद नहीं कर रहे थे, मेन लीड सारी अटेंशन अपनी ओर ले जाते। यही वजह रही कि अपने करियर की शुरुआत बॉबी ने एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म के जरिए की और अब बॉबी का कहना है कि वो OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ और काम करना चाहते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कि कैसे बॉबी देओल ने अपनी स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताया है। बॉबी ने एक बार नहीं बल्कि अपनी जो करियर में दो दो बार स्ट्रगल किया। एक बार तब जब वो शुरुआती दौर में आई ही थी और तब जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, काम मिल नहीं रहा था और उन्होंने पहले तो DJ बन के शुरुआत की, वेब सीरीज में काम किया और अब एनिमल से उन्होंने बड़े पर्दे पर एक नई शुरुआत की है। बता दें कि बॉबी देओल के काम की जहाँ तारीफ हो रही है, एनिमल को भी उतना ही प्यार मिल रहा है। हालांकि एनिमल के अगर रोल्स की बात करें, चाहे वो बॉबी देओल का रोल हो या फिर रणबीर कपूर का रोल हो, ट्रोलर्स को जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर टॉक्सिक करार दिया गया है रणबीर कपूर को। वेल, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट टाइम।